तो गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब हम निकल रहे हैं बाली नगर से और एक कदम दशहरे की ओर अपना रखते हुए हमारे पीछे फूलक से भाई है, हमारे फूलक ये जी और अंकित है, प्रमोद है और पीछे सालवन वाले भाई है। तो चलते हैं, आप खुद भी देखते हैं दशहरा और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो गाइस राम जी की बरात जो वो निकल चुकी है। बाबू जी मुझको भूल गए क्या, बाबू जी मुझको भूल गए, लो दासी की खबरिया। राम राम रथ पे रथ पे बीती रे मरिया, राम राम रथ पे रथ पे बीती रे मरिया। बाबू जी मुझको भूल गए क्या, बाबू जी मुझको भूल गए, लो दासी की खबरिया। राम राम रथ पे रथ पे बीती रे मरिया, राम राम रथ पे रथ पे बीती रे मरिया। राम राम रथ पे रथ पे बीती रे मरिया, राम राम रथ पे रथ पे। प्रभु तुमसे बातें तो है जारी, ये दुनिया तो कभी ना समझी मेरी भी लाचारी, बीती है उम्र मेरी नाम लेके राम का, सुनो महावीर। तो अब हम जा रहे हैं राम की बरात में, साइड में आप देख सकते हो राम की बरात जा रही है और ये भी बात बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। रुकने का नाम भी नहीं। इसी एम्बुलेंस में जो है रावण को ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हो यही वो एम्बुलेंस थी, इसमें रावण को ले जाया जा रहा है जी। मैं बिका नहीं और जैसा अभी किसी दाम में, दिल तोड़ा किसी का ना तोड़ा है भरोसा, चाहे मेरा हृदय इस दुनिया ने है लोचा, आपसे छुपाऊं क्या मैं राम के दुलारे, एक एक आंसू तिरस रस दिखाई देगा। ये अभी अभी एम्बुलेंस पहुंच गई है हमारे ग्राउंड में, और जो एम्बुलेंस आपको अभी अभी दिखाई दे रही थी उसमें रावण जी थे जिनका वध कर दिया गया था, उन्हें उन मुंडा में लाया गया है। लोग सोचे झूठे मेरे आंसू है संताप के, पर बहुत ही पब्लिक, बड़ी पब्लिक देखो यहाँ पर कितने, ये सारी रावण के दुख की घड़ी में यहाँ पर आई हुई है। बताइए सर। भाई अभी अभी सोची थी क्या सूचना मिली आएगी कल्पना। हम महादेव के भक्त हैं और शंभु का हाथ है सर पर, हमारे प्राण लेने यमराज नहीं ईश्वर स्वयं आते हैं धरती पर। महादेव हर बजे चारों दिशाओं में डंका, कहने को पास कुछ नहीं बस सोने वाली लंका है, मिटा दूंगा तेरी मैं सारी आज शंका।